नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों अभी अभी मैंने ब्रेथ इन टू द शेडो सीजन 3 का ट्रेलर देखा है। तो दोस्तों ट्रेलर काफी मिस्ट्री से भरपूर है, काफी सस्पेंस से भरपूर है, काफी सारी किलिंग हो रही है और कौन क्या कर रहा है कुछ ट्रेलर से रिवील नहीं होता है। और यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जब आप एक सस्पेंस मिस्ट्री से भरपूर कोई वेब सीरीज देखते हो तो उसमें कुछ भी रिवील होने का मतलब है कि फिर आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी रिवील नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है और किसको कौन मारने वाला है, कुछ पता नहीं चलता है। अगर आपने पिछली सीरीज देखी हो, इसका पिछले पार्ट्स देखे हो, तो आपको पता होगा कि रावण के 10 सिरों को कुचला जाना है। मतलब रावण के जो 10 दुर्गुण है उनको मारा जाना है और उनमें से 4 की किलिंग पिछली बार हो चुकी है। अब बाकी बचे 6, तो उनकी किलिंग यहाँ पर होनी है। तो किस प्रकार से किलिंग होती है, जे कौन है, अविनाश कौन है। और दोस्तों यहाँ पे ट्रेलर में एक डायलॉग में ये भी है कि जे और अविनाश एक ही है, तो क्या है इनका सस्पेंस, क्या है इनके पीछे मिस्ट्री, कौन किलिंग कर रहा है, कौन किलिंग करवा रहा है, ये सब कुछ मतलब आपको पूरे एपिसोड जब आप इस वेब सीरीज के देख लोगे तभी आपके समझ में आने वाला है। डायरेक्टर ने या मेकर्स ने जो भी ये ट्रेलर बनाया है बहुत ही होशियारी से, बहुत ही चालाकी से ट्रेलर काटा गया है। कुछ ज्यादा इसमें रिवील होता है नहीं है ट्रेलर के अंदर, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलिंग वेब सीरीज है, मर्डर मिस्ट्री है साथ में। और किस प्रकार से कौन सा करेक्टर कब क्या कर जाएगा और कौन क्या करवा रहा है, ये सब कुछ आपको जब सारे एपिसोड आप देख लोगे तो अंत में जाकर के ये रहस्य खुलने वाला है। इससे पहले कुछ पता चलने वाला है नहीं, किसमें होना वाला है, होने वाला क्या है। एक C16 है जिसका वो लास्ट सीरीज में है, लास्ट में आपने देखा होगा कि C16 क्या है, उसका भी सस्पेंस यहाँ करके खुलेगा, इस सीरीज में खुलेगा कि C16 क्या है। वैसे एक्चुअली C16 एक एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है जो कि पेट से संबंधित बीमारियों के लिए, लीवर से संबंधित बीमारियों के लिए शायद दी जाती है। तो उसका भी ज्यादा ज्यादा मात्रा में सेवन करने से कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, उल्टी है, पेट दर्द है वगैरह जैसे। तो अब उससे कौन पीड़ित है, उसमें आपने पिछली सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि कौन वो ड्रग्स ले रहा था, उससे रिलेटेड ये C16 है या क्या है, ये सब कुछ है। वो सारी बातें आपको ये सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। जहां तक ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर काफी अच्छी तरीके से काटा गया है, सस्पेंस से भरपूर है, काफी जबरदस्त इसमें सीन है, विजुअल्स अच्छे हैं, लोकेशन अच्छी लग रही है और जो BGM है वो भी शानदार लग रहा है। और जहां तक कलाकारों के परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी कलाकारों का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही जबरदस्त लग रही है। अभिषेक बच्चन भी जबरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं। एक सीन में वो कह रहे हैं कि मुझे तो मतलब चाहे जेल में हो या बाहर हो, मुझे तो फ्रीडम से मतलब है, इस तरह से कुछ डायलॉग है। इसके अलावा वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं एक सीन में, तो वो भी काफी इम्प्रेसिव उनका लुक और उनकी अपीयरेंस वहां पे लग रही है। तो काफी जबरदस्त अभिषेक बच्चन की एक्टिंग यहाँ होने वाली है। पिछली बार भी काफी अच्छी उनकी एक्टिंग थी, काफी तारीफ उनको मिली थी। अमित साध भी जबरदस्त लग रहे हैं, जबरदस्त से टक्कर देते हुए यहाँ पे वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नवीन कस्तूरिया है वो भी जबरदस्त लग रहे हैं, शायद विलेन के रोल में है। और उनकी भी जो अदायगी है और जिस प्रकार से वो डायलॉग्स बोल रहे हैं काफी इम्प्रेसिव लग रहे हैं। चिलिंग किलिंग इस तरह से उनका एक डायलॉग है, तो वो भी काफी अच्छा लग रहा है। नित्या मेनन और जो सियामी खेर है उनका भी लुक अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है। कुल मिलाकर के ये काफी एक इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है और इसके 2 पार्ट पहले काफी पसंद किए गए थे, तो ये भी काफी मिस्ट्री से भरपूर है। जिन्होंने पिछले पार्ट देखे उनके लिए तो ये सारे जो सस्पेंस है वो यहाँ पे खुलने वाले है कि आखिर कौन से 6 लोगों की और यहाँ पे किलिंग होने वाली है, किस प्रकार से किलिंग होने वाली है, जे और अविनाश कौन है, कौन किलिंग करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, ये सब सारी चीजें आपको ये पूरा एपिसोड देखने के बाद ही पता चलने वाला है। कुल मिला के मुझे ट्रेलर अच्छा लगा है, मैं इस ट्रेलर को कम से कम 3 स्टार आउट ऑफ 5 देना चाहूंगा रेटिंग। आपने अगर देखी है तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।